शाम को सब्जी बनाने की तैयारी कर ही रहे थे तब तक बच्चों ने डिमांड किया कि कुछ हमें फ्राई करके दो, कुछ खाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से फिंगर्स रखे हुए थे उसे इस तरह से फ्राई कर लिए। तो बचपन में किस किस ने खाई है ये फिंगर्स बताना ज़रूर, और किसे पसंद है अभी भी। तो यहाँ पे ये फिंगर जो है बच्चों के साथ सारे बड़े भी खाते हैं, हमें भी बहुत पसंद है ये। तो इस तरह से फ्राई करके मैंने निकाल लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही करना था, क्योंकि बच्चों के साथ सारे बड़े को भी खाना था ये फिंगर। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से होते हैं जो फ्राई होके खूब बड़े से हो जाते हैं, और बचपन में हम उंगलियों में फंसा के इसे ऐसे खाते थे जैसे हम लोगों की उंगलियां लंबी हो गई हों। तो इस तरह से सबकी बचपन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, बचपन की कुछ यादें होती हैं। तो आप देख सकते हैं बातों बातों में हमारे सारे ये फिंगर्स तैयार हो गए तल के, फ्राइम्स जो हैं ये देखिए इतने छोटे छोटे से थे इतने इतने से, और ये इतने बड़े बड़े हो गए। तो मैंने इसे फ्राई करके साइड में रख लिया है, और अभी क्या करना है, एक तरफ हमारी चाय तो बन ही रही है शाम की, साथ ही हम कर लेते हैं अपने सब्जी के लिए प्रिपरेशन। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, और अभी हमें उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया गरम होने पे। जीरा जैसे ही चटक गया उसमें मैंने डाला ये प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने दो चीज़ों के लिए काट के रखा है, ये अभी आधा इसमें डाला। तो इट मीन्स मैंने इस यहाँ पे 300 ग्राम के करीब प्याज डाल दिया है। और यहाँ पे बता दूँ ये पनीर जो है वो 700 ग्राम के करीब है, मैंने उसके लिए मैंने 300 से 400 ग्राम महीन कटे हुए प्याज डाल दिए। इसमें डाल दी हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक महीन कटे हुए, और इसे हमें अभी भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। ये है हल्के से उबाल के लिए हुए, ये देखें हरी मटर, मैंने फ्रेश मटर लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है ये क्रश्ड धनिया, तो एक बड़ा चम्मच जो कि है मैंने डाला है इसमें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डालिएगा ज़रूर कूट के धनिया, और उसे मैंने रखा हुआ है वही डाला है। और यहाँ डालते हैं कुछ बेसिक से स्पाइसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है ये 1 टीस्पून के करीब है ये। साथ ही मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, कश्मीरी मिर्च है वो, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले डाल रखी है। और अभी कर लेते हैं इसे मिक्स अच्छे से। तो ये सब्जी ना रोटी पूड़ी पराठे जिसके साथ भी खाएं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और साथ में बन रही है मेरी चाय, जो कि अक्सर हम जब सब्जी बनाते हैं तो साथ में ही चाय बनाते हैं, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा पहले हम तैयार कर लेते हैं ताकि बाद में हमें रोटी पराठे जो भी बनाने हो बस वही बनाने रहते हैं, फिर खाना सर्व कर देना होता है। तो यहाँ पे ये देखें प्याज को हमने बहुत लाल नहीं करना है, ये देखें लेकिन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, बस वो जब इस स्टेज पे हो कि बस लाल होने ही वाला हो बस वहीं पे हमें ये मटर को ऐड कर लिया है मैंने। तो ध्यान रखें इस स्टेज पे प्याज जब इतने इस स्टेज पे पका रहता है ना, तो उस समय मटर ऐड करेंगे, उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी तैयार होती है। और किसी और टेस्ट के लिए थोड़ा भून के भी तैयार करते हैं, बट अभी जो हम ये बना रहे हैं पनीर की भुर्जी, इस स्टेज पे ही आप इसमें मटर को ऐड करें, बहुत ही हल्की मिठास लिए हुई ये पनीर की भुर्जी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें आगे और भी चीज़ें, तो उसके लिए वीडियो पूरी देखें। तो मेरी चाय छन भी गई है ये देखें, तो फिंगर्स मैंने तल दिए हैं, उसके साथ ही सब लोग चाय पी लेंगे। तो वैसे आप चाहें ना तो एक साथ कई सारे काम आप करके अपने टाइम को समय को बचा सकते हैं, जैसा कि हम अक्सर ही करते रहते हैं। तो इधर हमारे प्याज जो हैं और मटर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं भुन के, तो अभी इसे 1 से 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं, और अभी कर लेते हैं पनीर को हाथ से ही क्रश। तो इसे क्या करते हैं हाथ से ही इस तरह से तोड़ लेते हैं पनीर को, इस तरह से थोड़ा दरदरा सा तोड़ें। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, पर वो फिर बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता है जाके मसाले में। तो यहाँ पे नमक पहले टेस्ट के हिसाब से डाल दिया मैंने, इसे भी मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये देखने में भी कलर इसका ऐसा है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, सब ने बहुत ही पसंद किया था। और इसके पहले फ्रेंड मैंने कुछ दिन पहले अमृतसरी पनीर भुर्जी भी बनाई थी, एक बार ज़रूर उसे देखिएगा,
बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाया था उसे। और अभी इसमें मैंने ऐड कर लिया ये क्रश किया हुआ पनीर, इसे इसमें डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है ना, पूरी पराठे रोटी के अलावा अगर लच्छा पराठा नान जो भी है उसके साथ तो बहुत टेस्टी लगता ही है। चावल के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। चावल और सब्जी का ये साथ में कोई चटनी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, बहुत ही अच्छा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार कभी ट्राई करिएगा अगर आपने इस तरह से नहीं ट्राई किया है। चावल के साथ इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा नमक और मैंने डाला, क्योंकि पहले मैंने नमक डाला था तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया क्योंकि सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का सा ये ढीला ऐसे सब्ज़ी रहे ना तभी इसे हमें बंद कर। लेकिन अभी एक दो चीज़ें और हम इसमें ऐड करेंगे अभी, तो थोड़ा सा इसे पहले भून लेते हैं। और अभी इसमें ऐड करते हैं कसूरी मेथी, जो कि पनीर की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टेस्ट को जो है वो बढ़ा देती है, तो ज़रूर डाला करें। और मैंने रोस्ट करके रखी हुई है पहले से ही इसे, इसलिए हमें गर्म नहीं करना पड़ा कसूरी मेथी को। रोस्ट करके उसे थोड़ा सा क्रश करके और मैंने शीशे में बॉटल में भर लिए हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, साथ ही डाला मैंने हरी धनिया की पत्ती इसमें खूब सारी, उसे भी मिक्स कर लिया। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है मैंने सब्ज़ी को, इस तरह से थोड़ा ढीला ढीला ही है ये। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी सब्ज़ी मेरी कंप्लीट बनी भी नहीं थी, डिमांड आ गया कि कुछ साथ में मीठा चाहिए आज। तो मैंने भी क्या किया, पैन में इस तरह से दूध मलाई के साथ डाल दिया इसमें और उसे होने दिया अच्छी तरह से बॉयल। और इधर मैंने क्या किया, इस तरह से मावा पेड़ा घर पे रहता है ना, तो मैंने उसे क्या किया, उसमें पैन में तोड़ दिया महीन महीन। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने तोड़ दिया। ये एक्चुअली पेड़ा था, उसे मैंने वो थोड़ा गरम गरम था तो इकट्ठा हो गया था, मैंने उसमें तोड़ दिया इसे। तो देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दूध जो है बॉयल होने लगा था और उसमें मैंने तोड़ के डाल दिया है, तो वो अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगी हमारी बहुत झटपट वाली रबड़ी। इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली क्योंकि पेड़े में ऑलरेडी शक्कर है, बट मैंने बहुत, हमारे यहाँ बहुत हल्की मीठे वाला पेड़ा आता है तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डालना पड़ा है क्योंकि दूध भी मैंने डाला हुआ है। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा एक थिक कंसिस्टेंसी में ये रबड़ी तैयार हो। तो हमारे यहाँ अगर रबड़ी हो ना तो पराठे रोटी के साथ सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी होने लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर झटपट से कोई मीठा तैयार करना हो और आपके पास मावे वाली कोई मिठाई हो तो इस तरह से इंस्टेंट वे में आप मीठा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के एक से एक ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। और साथ में वो भी खुश हैं क्योंकि उन्हें रबड़ी बहुत पसंद है, दूध वाली कोई भी चीज़ें बहुत पसंद है उन्हें, खीर रबड़ी रसमलाई, तो बहुत खुश हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इसे बना के और सर्व कर दिया चटनी के साथ, सलाद के साथ, रोटियां थी उनकी, रबड़ी थी। तो इस तरह से मैंने प्लेट लगा दिया, सबने बहुत अच्छे से खाना खाया और बहुत खुश होके खाया। तो और क्या चाहिए, बस सब खुशी खुशी खाना खाएं और भरपेट खाएं, खुश रहें। तो अगर आज के खाने का प्रिपरेशन और मेरी पनीर भुर्जी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा। छोटा सा कमेंट करिएगा कि इस तरह से वीडियो मैंने जो बनाना शुरू किया है आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय।